भिंडी एक ऐसी रेसिपी है जो सबको बहुत पसंद आती है, और अगर भिंडी को अलग तरह से बनाया जाए तो इसका स्वाद ही बढ़ जाता है। वेलकम टू माय चैनल इराज तड़का। आज मैं आपको भिंडी आलू की एक बेहतरीन रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आपके मुंह में पानी ला देगी। देखिए, मैंने ये भिंडी ली है और इसको एक डायमंड शेप में कट कर लिया है। ये देखिए मैं कट कर रही हूँ। दोस्तों, भिंडी जो है बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, खासकर बड़ों को भी, बच्चों को भी, और ये अपने टिफ़िन में ले जाना भी बहुत पसंद करते हैं। और मेरी बेटी तो भिंडी को बहुत पसंद करती है। जिस दिन भिंडी बनी होती है उस दिन तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसलिए मैं भिंडी पे बहुत ज़्यादा ट्राई करती रहती हूँ ताकि मैं अलग अलग तरह से अपने बच्चों को भिंडी बनाकर खिला सकूँ। देखिए, मैंने कट कर लिया है और ये मैंने आलू कट कर लिए हैं। अब मैं दूसरी एक कढ़ाई रख देती हूँ, और कढ़ाई में दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी है, और इसमें मैंने 2 से 3 टीस्पून, मतलब ये जो टीस्पून से थोड़े बड़े हैं, ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा ये गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। देखिए, आलू को थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी और उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून फुल हल्दी और 1 टीस्पून फुल ज़ीरा डालूँगी। ये देखिए, डालने के बाद मैं इसको चलाऊँगी। चलाकर इसको हल्की आंच पर मैं दूसरे गैस पर रख दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको चलाया, चला के इसको अच्छे से इसके मसाले मिल जाएँ, और मिलने के बाद इसको मैं दूसरी तरफ रख दूंगी हल्की आंच पर पकने के लिए। अब मैंने दूसरी कढ़ाई दूसरी ओर रख दी है और इसमें भी मैं 2 से 3 टीस्पून फुल ऑयल डालूंगी। ये देखिए, सॉरी, टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है मैंने। और ऑयल डालने के बाद मैं अपनी भिंडी को इसमें ट्रांसफ़र करूंगी जो मैंने कट करके पहले से रखी थी। देखिए, भिंडी में बहुत चिपचिपाहट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इसे लहस वाला बना देता है। उसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ कि अगर आपकी भिंडी में चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए आप इसमें 2 स्पून फुल सोया सॉस डालिए। इससे भिंडी का चिपचिपाहट बिल्कुल दूर हो जाता है और भिंडी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अदरवाइज़ आपको गैस पर बहुत देर इसको रखना पड़ता है और इसका चिपचिपाहट नहीं निकलता है। तो देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं इसका चिपचिपाहट कम होना शुरू हो जाता है और ये बिल्कुल अच्छी बनके, बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। दूसरी तरफ मैं आलू को चेक किया है। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है आलू को, और मैं आपको मसाले बताती हूँ। ज़ीरा गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून फुल। अब मैं ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दूंगी। देखिए, वैसे मसाले सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, आप देख लेना वहां पर सारे कितने कितने पड़ते हैं भिंडी में। ये देखिए, मैं इसको चला रही हूँ। चलाने के बाद आप इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, इसका ग्रेसीनेस जो था वो बिल्कुल चिपचिपाहट दूर हो गया। मैं इसको ढककर पका रही हूँ, देख रहे हैं आप। उसके बाद दूसरी तरफ आलू जो कि बिल्कुल गल चुके हैं, और गलने के बाद ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं और बहुत अच्छे इसका कलर आया है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून फुल। आप इसमें सॉल्ट डालिए, सॉल्ट डालकर आप इसको मिला लीजिए। अब मैं इसको मिला लूँगी। मिलाने के बाद आप दूसरी तरफ भिंडी चेक करिए जो मैंने ढककर 5 मिनट पकाई थी। भिंडी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आलू को भिंडी के साथ मिला दूँगी। ये देखिए, आलू भिंडी को एक साथ मिक्स कर दूंगी और इसको हाथ से बिल्कुल चमचे की हेल्प से, जो आपने स्पैचुला लिया हुआ है उसकी हेल्प से आप इसको मिक्स कर देंगे। अब देखिए, अब इसके अंदर आप ग्रीन चिली जो आपने कट कर पहले से रखी हुई है आप उसमें डालिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, मैं डालती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत पसंद है ग्रीन चिली। अब देखिए, अब ये रखने के बाद इसके बाद आप इसके अंदर जब आप ढककर पकाएं इसे 5 मिनट और, उसके बाद फिर आप इसके अंदर जो मैं प्याज पहले से ही फ्राई करके फ्रिज में रखती हूँ वो आप थोड़ी सी प्याज इसके अंदर डाल दें, तली हुई प्याज
कोई नहीं डालना चाहता तो मत डालें, मुझे पसंद है तो मैंने इसमें प्याज डाली है और एक नींबू आप इसके अंदर पूरा निचोड़ दीजिए। देखिए निचोड़ने के बाद आप इसको ढककर पकाइए और पकाने के बाद ये बिल्कुल भिंडी तैयार हो जाएगी और आप इसको डिश आउट करिए और सर्व करिए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अपने व्यूज़ मुझे बताइएगा ज़रूर और आप इसको खाइए, बनाइए और अपने व्यूज़ दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी।